भव्य और सुंदर राम मंदिर के इस निर्माण को देखने भी पहुंच रहे हैं। 22 तारीख को, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले की ये तमाम तैयारियां हैं, जोर शोर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और ये वही द्वार है जो मुख्य द्वार होने वाला है, जिसको पूरे सोने की परत से चढ़ाया गया है। और इसके अलावा 44 द्वार होंगे पूरे भवन में। इसके अलावा जो 14 द्वार होंगे वो खुद राम मंदिर के अंदर ही होंगे। और ऐसे में राम मंदिर की ये सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं और इंतजार आप तमाम राम भक्तों को 22 जनवरी का है, 22 तारीख का है, जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलो चलो, आप सभी को अयोध्या से प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस वक्त अयोध्या के कण कण में राम है और क्षण क्षण में राम है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका भी मौजूद है। अवध पुरी रघुराडी आदि भई सकल सोई खो खानी। अवध में राम कैसे आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि राम आएंगे? वो 14 दिन का वनवास काट के तब आए थे, तब दीपावली अयोध्या में हुई थी सपना। लेकिन अब तो हर दिन 22 जनवरी तक दीप ही दीप और उत्सव ही उत्सव हमको नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें कि हम अभी राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, भजन कीर्तन एक तरफ हो रहे हैं, कुछ संत भी हमारे साथ हैं, लगातार हम बातचीत करेंगे कि अयोध्या बदली बदली तो नजर आ रही, लेकिन आज से महानुष्ठानों की भी शुरुआत होगी सपना। बिल्कुल, हमारे साथ में भजन मंडली भी है, साथ ही साथ हमारे साथ संत भी जुड़े हुए हैं। हम उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। प्रभानंदन जी महाराज हमारे साथ में, हमारे साथ में देखिए एक और संत जुड़ रहे हैं, कृपावात्री जी महाराज हमारे साथ में हैं। इनके बारे में तो मैं क्या बताऊं मोनिका, कि ये वो संत हैं जिन्होंने ये देखा है कि अयोध्या में कैसे बड़े बड़े चमत्कार हुए। 2 बम रखने की कोशिश की गई अयोध्या में, लेकिन किसी तरीके का कोई बम ब्लास्ट या कुछ ऐसे अनहोनी नहीं हो पाई। शुरुआत में मंडली से करती हूँ, फिर मैं हमारे संतों के पास जाऊंगी। क्या सुना रहे हैं आप? मैं चाहूंगी सोहर से शुरुआत करें। सोहर ऐसा होता है कि बस सब सुनना एक बार चाहते हैं। बधैया गाइए जरा। जी, हम बधैया पेश कर रहे हैं। हाँ। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया हो। हाँ, बाजे बधैया हो। जन्मे है हो, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया हो। हे राजा दशरथ जी, सोनवा लुटावे, सोनवा सोनवा लुटावे, सोनवा लुटावे, हाँ सोनवा लुटावे, सोनवा लुटावे, हाँ सोनवा लुटावे। राजा दशरथ जी सोनवा लुटावे, राजा दशरथ जी सोनवा लुटावे। कंगना लुटावे तीनों मैया, अवध माँ बाजे बधैया हो। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया हो। जन्मे अवध में बाजे बधैया हो। शानदार, लगा ही हुआ है क्योंकि राम लल्ला 22 जनवरी को अपने भव्य नव्य मंदिर में बैठने जा रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं कि पात्री जी महाराज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक संकल्प आपने लिया था कि हाथों में रखकर आप खाना खाएंगे। एक संकल्प आपने वो लिया था, सिर्फ हाथों से खाते हैं, हाथों में रखकर खाना खाते हैं। एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है कि आखिरी के 3 दिन वो चटाई पर सोएंगे। और आपने देखा ही है कि किस तरीके से शुरुआत उन्होंने की, पहले नासिक से, आज वो आंध्र प्रदेश गए जहां पर जटायु और रावण की लड़ाई हुई थी, उस मंदिर में गए। ऐसे कई प्रतिज्ञा या संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है, ये वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कसम खाई थी कि निश्चरहीन करूं मही भुज उठाई प्रण कीन,
शकल मुनिन के आसन जाय जाय सुख दीन। मानो तो मानो उस गीधय धम खग आमिष भोगी पावा सो गति जहि जाचत जोगी। ततो वाच वस भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जटायु को भी गोदी में लेकर के और पिता का सम्मान दिया था, तो निश्चित तौर से ये रामराज की शुरुआत है। अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का 22 तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, निश्चित है रामचरित मानस के माध्यम से कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, ये 22 मिलकर के 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए साथ में कुछ और संत भी जुड़े हुए हैं और संतों का ही दिन है। हम ये कहें कि जो 6 दिन बचे हैं हमें नमन करना चाहिए इन संतों को, क्योंकि इन्हीं संतों ने किस तरीके से पूजा पाठ की और किस तरीके से लड़ाई लड़ी, तब जाकर 500 साल बाद ये दिन आया। मैं सही कह रही हूँ? हमारे साथ में गौरी शंकर दास जी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता हैं। गौरी शंकर दास जी, मैं ये चाहूंगी, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, देख रहे होंगे कि विपक्षी आ तो रहे हैं लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप अचानक से ये जो आधा अधूरा मंदिर बना उसका जानबूझकर जो है अभी से ही कर दे रहे हैं, जबकि हमारे शंकराचार्य जी कह रहे थे कि अभी नहीं हो सकता है, कैसे देखते हैं इस बात को? पहली बात तो वर्तमान सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि चाह करके या बिना चाहे अनचाहे अयोध्या आना उनकी मजबूरी है। तो पहले नहीं आते थे? पहले हमने, मुझे 40 वर्ष हो गया अयोध्या में। हाँ। हमने वो भी परिस्थिति देखी है। हाँ। कि जिस समय अयोध्या का नाम लेने में लोग घबराते थे, राजनीतिक पार्टियां, कि हमारा वोट कहीं ना खिसक जाए। हाँ। वो भी दिन हमने देखा है जब हम लोग बार बार गिरफ्तार किए जाते थे, और वो दिन भी हमने देखा है जब निहत्थे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई थी। वो कहते राम के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? आपको वोट मांगने तो काम पर मांगे ना, राम के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? वो लोग ये कहते हैं, विपक्षी ये कहते हैं, राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। राम के नाम पर वोट नहीं मांगना है, दुनिया देख रही है, देश का युवा, देश का नौजवान, देश का राम भक्त देख रहा है कि इस अयोध्या को भव्य दिव्य किसने बनाई है। दूसरी बात है कि अभी आपने शंकराचार्य जी की बात की है। शंकराचार्य जी ने केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी शंकराचार्यों ने सहमति दी है। दूसरी बात यह है कि ये अयोध्या वैष्णव संप्रदाय का गढ़ है, रामानंद संप्रदाय का गढ़ है, इसमें रामानंद संप्रदाय को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और एक मिनट देवी जी, एक मिनट इस चूंकि अयोध्या रामानंद संप्रदाय की जगह है। हाँ, हाँ, तो रामानंद संप्रदाय से रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए समस्त जगतगुरु, रामानंदाचार्य, द्वाराचार्य, महामंडलेश्वर, श्रीमान, सारे लोग विराजमान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर किसी को निमंत्रण मिल रहा है, लेकिन निमंत्रण पर सियासत जरूर हो रही है। अमित सिंह और तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो है वो भी अयोध्या के कोने कोने से जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए हम तस्वीरें तो लगातार दिखा रहे हैं, आप फिलहाल कहाँ पर मौजूद है? अयोध्या की कौन सी छटा आप दिखाने जा रहे हैं? देखिए अयोध्या की सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में है, और इस वक्त मेरे साथ अयोध्या जोन के आईजी साहब प्रवीण कुमार साहब हमारे साथ हैं। सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि 13,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अयोध्या में तैनात है और साथ में 11,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है, यूपीएटीएस और एसटीएफ के कमांडोज भी है। सर, किस तरीके से पूरे सुरक्षा का इंतजाम किया गया है? सर देखिए, सुरक्षा एक ऑनगोइंग चैलेंज है, डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें हमने बाहर से, चूंकि डीजीपी ऑफिस से, बहुत सारे लोगों को इसमें लिया हुआ है, और जो हमारे स्थानीय लोग हैं, खासतौर से हमारी रेंज के जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनके सारे फोर्स के लोग पहले से ही एक्टिवेटेड हैं। हमारे चारों तरफ जो ट्रैफिक रेगुलेशन, डाइवर्जन प्लस चेकिंग, फ्रिस्किंग, बाहर से आने वाले होटल, धर्मशाला, जो पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज़, ओयो वगैरह, जो जितने भी ऐसी जगह पर है वहाँ सत्यापन का कार्य, ये सब युद्ध स्तर पर हम लोग करते हैं। हम लोग अपने यहाँ जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, वहाँ वहाँ पर जहाँ जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ जहाँ पे हमें डाउटफुल चीज़ें लगती हैं या कोई टास्क ओरिएंटेड काम किया जाता है, वो भी हमारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। हमारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, उनको भी हम लोगों लगातार उनसे संवाद बनाए हुए हैं। हमारे जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं, खासतौर से हमारे जो नाविक हैं, जिसे हम सरयू प्रहरी की संज्ञा से विभूषित करते हैं, वो हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं।
जो अयोध्या वासी हैं वो भी हमको लगातार हमारे सुरक्षा नेट में अपना एक बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो सारांशता हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी सुरक्षा में फोर्स तो है ही, तकनीक तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ के नागरिक और हमारे अवध क्षेत्र के नागरिकों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सब लोग मिल करके इस कार्य को कर रहे हैं ताकि एक भव्य कार्यक्रम को संपन्न कराया जा सके। सर, आज अयोध्या में बहुत ज्यादा सख्ती है, पहले दिनों से भी हम देख रहे हैं लगातार, अब जो गाड़ियां हैं उन्हें भी आने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा गाड़ियों का आने, माने जिनके पास पास हो वही आए केवल अयोध्या में। देखिए, अयोध्या में जो नाम नागरिक हैं उनकी दैनिक जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से सामान्य है और सामान्य रहेगी। केवल बाहर के लोगों को ये कहा गया है कि अगर आपको मंदिर दर्शन करने आना है तो मंदिर 20 से 22 चूँकि बंद रहेगा दर्शन के लिए, 23 तारीख से आरंभ होगा, लिहाजा अपना कार्यक्रम 23 तारीख को करेंगे तो उनका यात्रा सुगम होगी, वो जिस भाव से आ रहे हैं उसका वो आनंद उठा सकेंगे। अभी मकर संक्रांति में लोगों ने भारी संख्या में यहाँ पे स्नान किया है और लोग लगातार आ भी रहे हैं। देखिए, जब राम का मंदिर इतना भव्य बन रहा है तो पहरेदार भी होने चाहिए, सुरक्षा भी उतनी कड़ी होनी चाहिए और उसकी भी पूरी की पूरी हम कह रहे हैं निगरानी की जा रही है। हमारे साथ में संतों की मौजूदगी है, प्रमाणानंद जी महाराज हमारे साथ में है। महाराज जी, आज बड़ी अच्छा अनुष्ठान आज से शुरू हो रहा है, पश्चाताप अनुष्ठान है ये। मैं चाहूंगी कि जरा इस पर आप दृष्टि डालें, क्योंकि आप देखते रहे हैं कई अनुष्ठान आपने कराए हैं, कैसे ये पूरा अनुष्ठान होता है, लोग बड़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं। पश्चाताप आखिर किस चीज का पश्चाताप, तो राम का काम है, हम तो जानते हैं। चलिए, पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित स्नान इसको बोलते हैं, पश्चाताप स्नान नहीं है। जो परंपरा है, पूजन की पद्धति है, उसमें यजमान का होता है कि यजमान ने मनसा वाचा कर्मणा अगर किसी प्रकार से दोष उसके जीवन में हुआ है तो प्रभु की आराधना, प्रभु के प्रतिष्ठा से पूर्व अपने शरीर में किसी प्रकार का अगर अपराध बना हो जाने अनजाने में तो हम उसका प्रायश्चित करते हैं, उसको प्रायश्चित स्नान कहा जाता है। दान भी आज किया जाता है जी, गौदान होता है, उसका क्या महत्व रहता है? चूंकि मैंने कहा कि गौदान जो सबसे बड़ा दान होता है उसमें सबसे बड़ा दान गौदान है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आज की स्थिति ऐसी है कि अयोध्या में जिस प्रकार से 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र का आगमन जब हुआ तो अयोध्या वासी जितने आह्लादित थे, मुझे लगता है उससे कम आज आह्लादित नहीं है। बिल्कुल उत्साहित है अयोध्या वासी और जोश और उत्साह तो हम देख ही रहे हैं। अरुण भी हमारे सहयोगी मासा जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए आज अयोध्या जो है जगमग जगमग तो नजर ही आ रही है। हर जो राम भक्त है देश के कोने कोने में जो बैठा हुआ है वो 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस दिन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको सरयू घाट की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर आरती का समय हो चला है और आरती में 1.25 लाख दिए भी आरती के दौरान जलाए जाएंगे यहाँ पर, और उसके लिए देखिए तैयारियां चल रही हैं। सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, 1.25 लाख दिए यहाँ पर सजा दिए गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बताऊं मैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य कार्यक्रम है 22 तारीख, उसके पहले कई तरह के लोग अयोध्या में आ रहे हैं, तमाम तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये भी एक जादूगर बने हुए हैं और योगी जी और मोदी जी पर एक गाना बनाया उन्होंने, जरा सारा प्रस्तुति दीजिए, जरा बताइए कौन सा गाना है और कैसे गाया आपने, बताइए। ये गाना है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का, तो उस पर हमने गाना बनाया है, इनको एक टाइगर बनाने की कोशिश की हमने, सुनाइए। तो एक बार सुनाते हैं। ये हमारा रांची सॉन्ग है। शेर के जैसे लाए लागी, चाल ढाल है शेर के जैसे मांसरे फौलादी, राम से दुश्मन का मर्दा पे है ये हिंदुवादी, सबको ढकाना। तो ये देखिए, ये यहाँ पर योगी जी और मोदी जी पर जो गाना बनाया उसका ये प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर पहले जो अनिल मिश्रा हैं, मुख्य यजमान हैं, वो सरयू घाट पर आए थे पूजा करने। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से पूजा कर रहे थे। उसका विधिवत आज से कार्यक्रम शुरू हो गया। इस वक्त अनिल मिश्रा, आप देखिए, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं और मुख्य यजमान हैं, वो इस वक्त सरयू जी के किनारे पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू करेंगे। और जो
प्रायश्चित पूजा है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। और आप देखिए इस वक्त हाथ में जल लेकर के वो पहुंच रहे हैं घाट पर, सरयू जी के घाट पर, और जहाँ प्रायश्चित पूजा वो करने वाले हैं अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रायश्चित पूजा करने जा रहे हैं, और यहाँ पर एक एक करके सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इसी से जो धार्मिक अनुष्ठान है वो शुरू होने वाला है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसके ठीक पहले, 7 दिन पहले से ये जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हो गई है। कर्मकुटी पूजा हुई उसके पहले अब यहाँ पर जो सरयू जी का तट है वहां पर वो पूजा करने आए हैं, और हाथ में उनके एक तरह से जो लोटा है उसमें जो पूजित जल है, और अब वो पहुंच रहे हैं नदी के किनारे और यहाँ पर पूजा करेंगे अनिल मिश्रा जी। और मुख्य यजमान है प्रधानमंत्री जी, यजमानों में से एक हैं, और वो यहाँ पर मुख्य यजमान है जो जिनके जरिए पूरी ये जो पूजा है वो संपन्न होने वाली है। और आप देखिए यहाँ पर जो जो सर अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी एक मिनट बता दीजिए कि क्या करने आप जा रहे हैं। यहाँ पर अभी स्नान होगा जी, हमें दस विधि से स्नान होगा, आप लोग कवर करिए आइए। दस विधि स्नान चोर घर में बात करने के बाद अब उसके बाद की पूजन विधि का प्रारंभ होगा। अनिल जी मुख्य यजमान है आप, आराम से बस भगवान का की सेवा में का ये मुझे काम बताया गया, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, उनको सुन रहे थे आप। प्रधानमंत्री भी एक यजमान होंगे लेकिन अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहेंगे उस दिन, और आप आज से ही उनको पूजा करते हुए देख रहे हैं। राजू दास जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, महंत है हनुमानगढ़ी के। राजू दास जी मैं तो ये कहूंगी विपक्ष को खासा प्रेम है आपसे, जब आते हैं तब देखते हैं कि विपक्ष आप पर ही हमला बोलता है। दूसरा ये कि अयोध्या में पहले कभी देखा, जो मैंने इनसे भी पूछा कि इतने विपक्षी नेता आए हो, क्या कहते हैं कि ये होती राजनीति है कि विपक्षियों को भी आना पड़ रहा है यहाँ पे? मजबूर हो चुके विपक्ष, मोदी जी ने सबको नंगा कर दिया, मोदी जी ने निमंत्रण देकर नंगा कर दिया। जिसके राष्ट्रीय अधिकारी कह रहा हो कि भाई ये बीजेपी का इवेंट है हम नहीं जाएंगे, और जो उनके गुर्गे हैं जो उनके अगल बगल उनके नाम पे रोजी रोटी कमाने वाले हैं वो अयोध्या दौड़ के चले आए, ये मजबूर हो चुके हैं। क्यों मजबूर हो चुके हैं? ये बदलाव ऐसे आपको नहीं दिख रहा है, आप समझो कि एक सरकारी कार्यक्रम में गया था, सरकारी कार्यक्रम था, और माननीय अवस्थी जी मंच पे चढ़े और मेरे राम जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, तुरंत माइक वो क्या नाम है बिजली कट गई, बंद हो गई। गजब बात करते हो, पिछली सरकार में ये मानसिकता हुआ करता था कि अगर कोई गायक गाना गा रहा है भगवान राम पे वो गाने नहीं दिया जाता। और एक घटना आपको बता दो, 84 कोसी की परिक्रमा थी, 84 कोसी की परिक्रमा में पूज्य चंपत राय जी ने कहा कि राजू दास जी हनुमान जी के सामने में, क्योंकि सरकार कार्यक्रम नहीं करने दे रही है, हनुमान जी के सामने में जो है हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आप समझो उस समय में आशुतोष राय युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था, वो मात्र शक्ति के रूप में साड़ी पहना के उसको मंदिर ले जाना पड़ा। आप समझो एक जगत गुरु जी थे, उनको हमने हनुमानगढ़ी पे टोकने में उनको रखा था, फिर भी मुकदमा लिखा गया, एससी एक्ट नो मुकदमा। कहते हैं कि धर्म पे राजनीति मत करिए। एक मिनट में आपसे सवाल पूछता हूँ, आपसे मेरा सवाल है कर कौन रहा है? मंदिर न्योता मिला आ जाना चाहिए था, राजनीति करना शुरू किसने किया? हमने क्या क्या हमको कोर्ट में फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर मिल रहा है क्या? फ्री में नहीं मिल रहा, किसी के एहसान नहीं है, हम कोई किसी का एहसान नहीं है मेरे ऊपर। सपना ये देखिए ये विचित्र बात है कि यहाँ पर जितने भी राम भक्त आ रहे उनको निमंत्रण उन्हें तो निमंत्रण नहीं मिल रहा है, और यही संदेश यहाँ के राम भक्तों ने दे दिया है कि हमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है, प्रभु श्री राम ने हमें बुलाया, अब उनके दरबार पर आए हैं। यतेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र देखिए सियासी खींचतान तो हो ही रही है अयोध्या को लेकर, देखिए किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, लेकिन यहाँ के राम भक्तों ने और देश भर के राम भक्तों ने कहीं ना कहीं इन सियासी जितने भी नुमाइंदे उन्हें जवाब जरूर दे दिया है कि आप आए ना आए लेकिन हम जरूर आए, हमें प्रभु श्री राम ने बुलाया है। देखिए बिल्कुल अगर सियासत की बात करें, प्रभु राम लला के मंदिर को लेकर सियासत तो सैकड़ों सालों से हो रही है और जनता उसका जवाब सियासतदानों को लगातार देती भी आ रही है। मैं अभी हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है सड़कों पर, और ये केवल हनुमानगढ़ी नहीं पूरे अयोध्या को इसी तरह से सजाया संवारा जा रहा है। आप देख सकते हैं भक्त जन रंगोली को देखकर किस तरह से खुश हो रहे हैं, और साफ तौर पर ये रंगोली आप जो देख रहे हैं आ गए यानी कि राम लला आ गए, इस तरह की रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। हमारे साथ एक विष्णुदेव महाराज जी हैं, विष्णुदेव जी
भगवान राम के लिए क्या स्तुति मंत्र करेंगे आप? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परम्परम। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं, जो अयोध्या रंग बिरंगों से अयोध्या त्रेता जैसे देखने को मिला है। यह लालसा बहुत अधिक है, राम ही केवल बहुत अधिक है। और आप देख सकते हैं जो साधु संत है वो खुश, और खासकर आम जनता। मैं आम जनता की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं कि हनुमान गढ़ी में लगातार सैकड़ों हजारों भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, और उनको उनकी खुशी इसी बात की है कि शायद उनके जीवन में उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह का दिन आएगा, लेकिन वो दिन आ गया है। सियासत जरूर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जनता उन्हें अपने ही हिसाब से जवाब दे रही है। लगातार जयकारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और जय जय श्री राम के नारे लगातार बीच बीच में आते रहते हैं। यानी जनता काफ़ी खुश है और सियासतदानों को उनको उनकी भाषा में, यानी जनता जिस भाषा में जवाब देती है, चाहे वो बोर्ड के जरिए दे, चाहे अपने शंखनाद के जरिए या नारों के जरिए दे, वो मिलता जरूर रहता है। जी बिल्कुल, आ रहे हैं आपके पास में एक चौपाई याद आ रही है, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सही कह रही हूँ? तो राम की कृपा हो गई से सबकी कृपा हो रही है। आप तो रुकेंगे विवेकानंद जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो चलिए बात हो गई कि राजनीति में ये कहा जा रहा है कि उनको राम पे वोट चाहिए इसलिए कर रहे हैं। आप संत होने के नाते बताइए कि वाकई अयोध्या में काम हुआ है या नहीं हुआ, या फिर सिर्फ इसलिए कि चाहे चुनाव आ रहा है इसलिए कर देते हैं? देखिए, अयोध्या साक्षात ब्रह्म भूमि है। यहाँ पे ये आर्ष परंपरा से भी अयोध्या उतनी ही पावन रही है जितनी आज है। ठीक है, अयोध्या वासिनो साक्षात जगन्नाथ स्वरूपिण कहा जाता है। अयोध्या वासी जगन्नाथ का स्वरूप, ये रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शिव बोल रहे हैं। अयोध्या च परब्रह्म सगुण सरयू पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम। तो जहाँ का जन जन जगन्नाथ के समान हो, पूजनीय वंदनीय हो, ऐसी भूमि में विकास की अभी तक उपेक्षा हुई है, अब अपेक्षा किया है सरकार ने, तो सरकार ने जो अपेक्षा विकास की किया है उस विकास से विपक्ष को दर्द नहीं होना चाहिए। और अब विकास हो रहा है और विकास दिख रहा है, और विकास केवल भौतिक विकास ही नहीं हो रहा, आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है। संतों की जो मानसिकता है वो भी परमात्मा राम के प्रति, हाँ। जो पहले कुछ संतों की मानसिकता विद्वेषपूर्ण रही, विपक्ष का काम है इस तरीके की चीजें करना, वो करेगा, काम है सवाल उठाना। लेकिन इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस जगह जा रहे हैं जहां प्रभु श्री राम के आदर्श नजर आ रहे हैं। आज वो आंध्र प्रदेश में थे, आंध्र प्रदेश से उन्होंने जितने भी राम भक्त हैं उनको एक संदेश दिया है कि राम राज से ही लोकतंत्र है, राम राज से ही समानता है। प्रभु श्री राम के दरबार यानी कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी से क्योंकि राम राज्य की शुरुआत हो रही है, पूरा देश और पूरा देश राममय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैं धन्य हो गया, आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। गांधी जी ने ऐसा कहने के पीछे वर्षों का उनका अध्ययन था, उनका दर्शन था। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम राज्य वासियों से कहा गया है, जो राम राज्य के निवासी थे, वहां के नागरिक थे, उनके लिए कहा गया है, राम राज्य वासी त्वम
प्रोच्छस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम चर। देखिए होए वही जो राम रची राखा, जो राम ने सोच लिया वही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हम उनकी बातचीत सुनवा रहे थे, आंध्र प्रदेश में वो थे, एक खास बात उन्होंने कही है कि राम राज ही लोकतंत्र है, सबको समानता अगर मिलती है इस देश में तो राम राज जरूर है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं, संजय राउत है उनकी तरफ से कहा गया है जो हाँ विध्वंस हुआ था वहाँ तो राम मंदिर बन ही नहीं रहा है, राम मंदिर कहीं और बन रहा है, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। ये विरोध करने वाले जो विरोध कर रहे हैं, हम शंकराचार्य से पूछना चाहते हैं, ये जीएल स्वामी अयोध्या से, कि जब सेत बंधु रामेश्वरम की स्थापना हुई थी तो राम जी ने सबसे पहले शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाया था कि मंदिर बनवाया था? सबसे पहले भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर उसके बाद बना था। और अयोध्या में ये जो हमारे रामलला हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। निश्चित तौर से अयोध्या में जो होने जा रही है ये प्रेम प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये प्रेम विपक्ष को नजर क्यों नहीं आ रहा है सरन जी? ये हमारा प्रेम प्रतिष्ठा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इतने शुभ कार्य में अगर विपक्ष कुछ कर रहा है तो यही लोग कह रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जब मनाया जा रहा था तो बीच में पूतना वेश बदल करके आ गई थी और बाधा डालने की कोशिश करी थी, परिणाम क्या हुआ, मारी गई। विपक्ष वाले भी यही कर रहे हैं, अगर इतना उनको राम नाम से द्रोह है, विरोध है, तो वो अपने वसीयत में लिख करके जाएं कि मेरे मरने के बाद कोई राम नाम सत्य नहीं बोलेगा, तब मानूं कि वो विरोध कर रहे हैं। वो विरोध सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, एक तरफ तो वो वोट के लिए विरोध का स्वांग रचते हैं और दूसरे तरफ वो खुद मंदिर। वो तो कह रहे हैं ना ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है, वोट के लिए कर रही है सत्ता पक्ष। नहीं नहीं, ये उनको उनके नजर से लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये देखिए आज से ये जो तिथि निर्धारित है ना, अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, जिस समय शिलान्यास हुआ था उसके पूर्व ही ये तिथि निर्धारित कर दी गई थी कि जनवरी में 2024 के जनवरी में तारीख को लेकर भी तारीख तो मुद्दा था ही, तारीख तो राजूदास जी पहले ही बता रहे थे। एक चीज और, ये रामराज भगवा राज तो नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी क्यों डर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अरे नौजवानों रुक जाओ, ये हर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं रामराज क्या भगवा राज होता है क्या? नहीं, भगवा राज से परहेज क्या है, भगवा क्या होता है? भगवा हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है, भारत की आत्मा है भगवा। तो क्या हर मस्जिद को मंदिर बता देंगे? नहीं नहीं, हर मंदिर, फिर गजब बात करते हो। अगर हम हर मंदिर को मस्जिद बताते तो मैं नारा देता हूँ, अब तीन नहीं, अब लेंगे 30,000, हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी मजार, तब तो ये नारा होने लगेगी। ये कौन सी बात होगी? जहाँ पर अभी एक चर्चा जो बहन कर रही थी पूज्य स्वामी जी से, वो चर्चा कर रही थी कि राजनीति बीजेपी कर रही है, तो क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? तो आप अभी तक टोपी लगा के क्या कर रहे थे? मेरा सवाल ये है, मतलब वो एक तरफा उधर चल रहा था। हाँ नहीं, मैं अभी तक मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू होने के बाद टोपी लगाकर इफ्तारी पार्टी करते थे, जाते थे और नवा ज्यादा करते थे, तो आप क्या करते क्यों पड़ती है? कोई एक धर्म पकड़ लीजिए, ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं, बिना धर्म की ये लोग ठीक नहीं रहेंगे। आप देखिए तत्काल की घटना बता दे, अफगानिस्तान में क्या था? अफगानिस्तान में तो कोई महंत गौरी शंकर दास नहीं थे, ना कोई राजू दास था, अफगानिस्तान में कौन था? सब इस्लाम को ही मानने वाले थे। आज अफगानिस्तान की स्थिति क्यों हो गई कि मुस्लिम बहनों को एक पुरुष हाथ पकड़ा है, एक हाथ में बच्चा लिया है और मुस्लिम आतंकवादी उस बहन को खींच रहा है, क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि इस्लाम के धर्म के मानने वाले के अंदर भी कमी हुई। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या कि एक कोई एक पकड़ ले, कोई एक पकड़ ले, काम पर नहीं हो पाएगा? आप ओवैसी की बात करती हैं, ओवैसी का इस देश का मुसलमान का पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। ओवैसी अभी हैदराबाद से बाहर नहीं निकल पाए, उनकी सात पुस्त लग जाएगी हैदराबाद से निकलने का। इकबाल अंसारी तो कहते रहे हैं ये बात तो और है। चलिए छोड़ दीजिए, हम राजनीति छोड़ देते, जब हम धर्म नगरी अयोध्या में तो कहाँ राजनीति की बात करें। हम राम राज वाकई सिर्फ अयोध्या में आए या देश भर में आ गया? क्योंकि लोग उपहार लेकर आ रहे हैं, जिससे जो बन पा रहा है वो लेकर आ रहे हैं। देखिए चूंकि राम सभी के हैं, केवल अयोध्या के ही नहीं हैं, अयोध्या तो उनकी जन्मभूमि है, ये ब्रह्म भूमि है,
राम सभी के, और सभी के जब हो जाते हैं तो रमन्ते सर्व जीवानाम राम, जो सब में रमण करे वो राम है, किसी व्यक्ति विशेष संप्रदाय अथवा जाति के राम नहीं है। राम जी के बारे में गोस्वामी जी ने उनकी व्यापकता के बारे में इतनी चर्चा की है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जो परमार्थ के स्वरूप हैं, वो भला किसी एक सीमा में कैसे बन सकते हैं। राम जी तो पूरे विश्व के हैं, तो ये राम राज्य केवल यही नहीं आया है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ठीक बात है, राम तो किसी एक धर्म के थोड़ी हैं, राम तो सबके। राम इज नॉट गार्डनरशिप ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इज राष्ट्र, माम इज मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम, रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। राम इज नॉट रिलीजन बट राम इज नेशन, राम इज नेशन। राम का विरोध करने वाला देश का राष्ट्रद्रोही है, देश का राष्ट्रद्रोही है। अगर उसको राम पसंद नहीं है, उसके हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चला जाना चाहिए। लेकिन उनकी भी सिलेक्टिव अप्रोच रहती है, उनकी भी सिलेक्टिव अप्रोच रहती है। कभी वो भी जनेऊ पहन लेते, वो भी मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अभी वो विरोध कर रहे हैं। विरोध वो सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, वो उनका विरोध सिर्फ दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो विरोध करके सिर्फ यह बताना चाहते हैं कुछ लोगों को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए वो बहुसंख्यक को नाराज। ये शायद एक ऐसा मंच था सपना कि जहाँ पर वो आते एकता दिखाते, अगर वो समस्या की बात करते हैं, एकता की बात करते, शायद ये सबसे बेहतर मंच था। काज में आने के निमंत्रण की जरूरत नहीं है, यहाँ इतने लोगों को देख लीजिए, किसी को निमंत्रण नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, हम समाप्ति की ओर। गलती मेरी है, ऐसे लोगों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, जाके प्रिय राम वैदेही। महाराज जी संत दिल से है, मैं चाहती हूँ एक बार जोर से जय श्री राम का उद्घोष हो जाए। जय जय श्री राम। चलिए समाप्ति की ओर है, जल्दी से बढ़िया सा कुछ सुना दीजिए। हे बहुत समैया बाद आया वह सुघर दीनवा, आया वह सुघर दीनवा, राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा, राम लाला बैठी है अब अपने पाने भावनवा, हो पाने भावनवा भैया पाने भावनवा, राम लाला बैठी है अब पाने भावनवा, राम लाला बैठी।